नमस्कार दोस्तों, मैं सतनाम सिंह आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर वर्ड पावर के ऊपर वीडियो डालिएगा, तो मैं आज उनके लिए स्पेशली वर्ड पावर के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना और पूरा देखना, क्या पता कुछ वर्ड्स ऐसे हों, क्या पता आपको इंग्लिश आती हो लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हों जिनका मतलब आपको भी नहीं पता हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप उन शब्दों को जान पाएंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जी हाँ, चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कोई नहीं, सबसे पहले कोई नहीं, कोई नहीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नन। आपने जब भी आप एग्जाम दिया होगा कभी भी, तो आपने एक चीज देखी होगी, जब भी आप ऑप्शन टाइप करते थे, मल्टीपल आंसर्स होते थे जिसके, उसके लास्ट में फोर्थ ऑप्शन में होता था नन ऑफ दीज या नन ऑफ देम, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कोई नहीं को क्या बोलते हैं? नन। या फिर आप बोल सकते हैं कोई नहीं को नो वन। जैसे कोई पूछे कि हु इज हियर, यहां पर कौन है, तो आप कह सकते हो नो वन इज हियर, यहां पर कोई भी नहीं है या यहां पर कोई नहीं है। एक और तरीका होता है, नो वन बोल दो या फिर आप इसको नोबडी भी बोल सकते हो। हु इज हियर आप कह सकते हो, नोबडी इज हियर। नेक्स्ट हम चलते हैं कोई, कोई को क्या बोलते हैं? एनी। यानी कि जैसे आपको एक किताब चाहिए तो आप कह सकते हो आई नीड एनी ऑफ योर बुक्स, मुझे आपकी कोई एक किताब चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कोई भी, तो हम बोल सकते हैं एनी वन। हम कह सकते हैं एनी वन कैन कम टू माई मैरिज पार्टी, कोई भी मेरी पार्टी में, शादी की पार्टी में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं एनी वन। वन जहां पर लगा होता है आप वहां पर बड़ी लगा दीजिए तो भी सेम मतलब होता है। यानी कि कोई भी को हम और क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं एनी बड़ी। कुछ, कुछ को हम बोलते हैं सम, लेकिन अगर हमें बोलना हो कोई एक तो हम बोल सकते हैं या तो सम वन या फिर बोल सकते हैं सम बड़ी। अगर हमें बोलना हो किसी जगह, किसी जगह को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं समवेयर। अगर हमें बोलना हो कहीं भी, कहीं भी, तो हम बोलेंगे एनीवेयर। नेक्स्ट चलते हैं कहीं और, कहीं और को बोल सकते हैं हम एल्सवेयर। लेट्स गो एल्सवेयर, कहीं और चलते हैं। जो कुछ भी हम बोलेंगे व्हाटएवर। सेंटेंस देख लीजिएगा, व्हाटएवर यू नीड आई विल गिव यू, आपको जिस चीज की भी जरूरत है मैं तुम्हें दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं जहां कहीं भी, वेर एवर। वेर एवर यू लाइक यू कैन गो, जहां भी आप पसंद करते हैं वहां आप जा सकते हैं। जी नेक्स्ट चलते हैं जो कोई भी, जो कोई भी या जो भी, हम उसको बोलेंगे हु एवर। हु एवर इज रीडिंग एट नाइट ही विल बी सक्सेसफुल, जो भी रात को पढ़ रहा है वह सक्सेसफुल होगा। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिर भी, हाउ एवर। हाउ एवर यू आर इंटेलिजेंट बट यू हैव ईगो, आप इंटेलिजेंट हो फिर भी आपके अंदर ईगो है। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यू आर इंटेलिजेंट हाउ एवर यू हैव ईगो। किसी भी तरह, किसी भी तरह को हम बोलते हैं एनी हाउ। आई नीड दिस जॉब एनी हाउ, मुझे ये जॉब चाहिए किसी भी तरह। नेक्स्ट चलते हैं हम कैसे भी, कैसे भी को हम बोलेंगे एनी वे। एनी वे आई नीड दिस जॉब, मुझे ये जॉब कैसे भी चाहिए। दोनों का मतलब आप एक सेंटेंस ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं बिल्कुल नहीं, या तो आप बोल सकते हैं नॉट एट ऑल या फिर बोल सकते हैं नो वे। कैन यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते, तो आप बोलेंगे नॉट एट ऑल, जी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ नहीं, इसी प्रकार से आप उपयोग कर लीजिएगा। कुछ नहीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग। कुछ भी, कुछ भी को हम बोलते हैं एनीथिंग। कोई बात, कोई बात को या कोई चीज को हम बोलते हैं समथिंग। दूसरा यानी कि एक और, मुझे एक और किताब चाहिए, आई नीड अनदर बुक, या मुझे कोई एक किताब चाहिए या एक और किताब चाहिए। अदर, अदर का उपयोग होता है दूसरा या और। ध्यान दीजिएगा, अदर का उपयोग होता है एक से ज्यादा के लिए और अनदर का उपयोग होता है एक के लिए।
नेक्स्ट दोस्तों नोवेयर, नोवेयर का मतलब होता है कि कहीं नहीं, वेयर मतलब कहीं और नो का मतलब नहीं, यानी कि कहीं नहीं। आई वॉन्ट टू गो नोवेयर, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। जबकि, जबकि को हम बोलते हैं वेयर एज। नेक्स्ट इसीलिए, इसीलिए को हम बोलते हैं देयर फोर। नेक्स्ट अगर हमें बोलना हो वहां से, वहां से, तो हम बोलेंगे देंस। और अगर हमें बोलना हो कहां से तो हम बोलेंगे वेंस। वेंस का मतलब कहां से भी होता है और जहां से भी होता है। अगर बीच के यानी के सेंटेंस के बीच में अगर आप लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जहां से। अगर आप शुरुआत में लगा देंगे वेंस आर यू, आप कहां से हो। किसी दिन, किसी दिन को हम बोलते हैं सम डे। आजकल, आजकल को हम बोलते हैं नाउअडेज। नाउअडेज इंटरनेट इज वेरी चीप, आजकल इंटरनेट बहुत सस्ता है। नेक्स्ट हम चलते हैं उसके बाद, उसके बाद को हम बोलते हैं देयर आफ्टर। अगर हमें बोलना हो इसके बाद तो हम बोलेंगे हेयर आफ्टर। नेक्स्ट अगर हमें बोलना हो अंत है या फिर यहाँ से तो हम बोलेंगे हैंस। इसका मतलब इसीलिए भी हो सकता है। इसके बाद से तो आप बोलेंगे हैंस फोर्थ। किसी भी समय अगर आपको बोलना हो एनी टाइम, एनी टाइम यू कैन कम एट माई होम, आप मेरे घर किसी भी समय आ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ समय, कुछ समय को आप बोलेंगे सम टाइम। लेकिन ध्यान दीजिएगा सम टाइम होता है कुछ समय, लेकिन सम टाइम्स अगर बाद में एस लग जाता है तो वो होता है कभी कभी। आई गो देयर सम टाइम्स या सम टाइम्स आई गो देयर, मैं वहाँ पर कभी कभी जाता हूँ। एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा, सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय, यानी कि आई नीड योर सम टाइम या डू यू हैव सम टाइम फॉर मी, क्या आपके पास कुछ समय है मेरे लिए। लेकिन सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। सम टाइम्स आई गो इन द ग्राउंड, कभी कभी मैं ग्राउंड में, मैदान में जाता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जिसमें, जिसमें या किसमें को हम बोलते हैं वेयर इन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे वेयर इन, अगर स्टार्टिंग में लग जाए तो हम बोलेंगे किसमें, अगर बाद में लग जाए, बीच में लग जाए सेंटेंस के तो हम बोलेंगे जिसमें। ओके नेक्स्ट जिस पर, जिस पर को हम बोलते हैं वेयर अपॉन। उसके बाद, उसके बाद को हम बोलते हैं देयर अपॉन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर गुड लगा हो तो गुड लिखना, अगर बैड लगा हो तो बैड लिखना। दोस्तों अगर आपको भी कोई इंग्लिश का टॉपिक नहीं आता तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो टॉपिक ज़रूर लेकर आऊँगा। दोस्तों इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचा देना जिनको भी इंग्लिश सीखनी है, इससे उनको बहुत मदद मिलेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।